जरूफ कहाँ पर है? तक आया नहीं। But these people, they all the time keep fighting with Papa. I mean, you know ना how much I hate fights. But ये लोग सिर्फ गॉडज़िला को देख लिया? हाँ? वैसे ये सारे फ्राउंस तू सिर्फ मेरे लिए सेव करती हो? मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, but you don't deserve it. Right. तुम्हारी स्माइल, of course. इस नंदू, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ. I've been waiting for that day कि कब ये स्माइल मेरे लिए हो, right? Whatever. Listen. मेरी बात पूरी नहीं हुई. I just wanted to tell you something. I just wanted to straighten your tiny head. कि कहीं तुम्हारे इस tiny head में ये उल्टे सीधे thoughts ना आ जाए. Okay? What are you talking about? क्या बोलना है? Tell me. See my hand. I just wanted to tell you कि don't think कि वो fair game वाली बात मैंने तुम्हारी वजह से की. Just because you said it last night. Okay? क्या मानेंगे मनोज? मुझे पता है कि मैं जो भी बोलती हूँ तुम सुनते भी नहीं हो, और उसके बारे में सोचना इट्स कंप्लीटली अनदर थिंग. सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन मी एनीथिंग. एक्सप्लेन तो मैं किसी को नहीं करता. यू तो फॉरगेट इट. और हाँ, लास्ट टाइम स्टे अवे फ्रॉम मॉन्स्टर माने. तो तुम्हें ये और ध्रुव कैसे फ्रेंड्स हैं? डिफरेंट. पहले तो हमको एक ही करके टॉर्चर करते थे, और अब बोले कि फेयर खेलेंगे. देखा, हम कहते हैं ना एक दामे बंद होता है. हमसे डर गए ये लोग, कीकड़ कहीं के. इतनी आसानी से फेयर गेम नहीं होगा मानिक. आई थिंक तुम जान गए हो कि तुम्हारे हारने का टाइम आ गया. इसीलिए यू जस्ट वांट टू बैक ऑफ, बट आई वोंट लेट यू सो इजीली. आई फाइनली हैव द वेपन्स टू किल फैब फाइव. एंड रोज, दिस इज अ सेवेंथ फ्लोर ऑफ अ कॉलेज, एंड दिस गाइस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. हम रिहर्सल के लिए जा रहे हैं. बजे ऑडिटोरियम में, ठीक है? सारे पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स जैम अप करेंगे. बी देयर गाइस. ओके, राघव मतलब हिटलर आ रहा है. सो गाइस, बहुत मजे हो रहे हैं यहां पर. आई एम सॉरी टू स्पॉइल योर पार्टी. मैं तो बस यही देखने आया हूं कि तुम लोगों ने बैंड कंपटीशन के लिए क्या प्रिपेयर किया. एंड आई होप इट्स एज मच फन जितना की मजा तुम लोग अभी कर रहे हो. बिकॉज एट 3 PM देयर्स अ जैम सेशन इन द ऑडी. सारे पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स मिलके जैम करेंगे. अभी नोटिस लगाया मैं. सो सी यू गाइस एट 3 PM. हे हेडलो कबीर, जिस दिन मैं सच में हिटलर बन गया ना, उस दिन से तुम इस कॉलेज में दिखोगे नहीं. हाँ सर, मैं तो रॉकस्टार बन जाऊंगा ना, एमटीवी पे दिखूंगा. Baby, you're so funny. तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? New admission? No, actually she's very smart.
बहुत स्मार्ट, इसलिए इसने इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, अनलाइक अस. एक्चुअली मैं इस कॉलेज से नहीं हूँ, आई एम जस्ट विजिटिंग एंड आई एम हिज गर्ल. ओह, सो डज हिज गर्लफ्रेंड हैव अ नेम? रोज. So a rose amongst these thorns, huh? How ironical. Anyway, guys, तुम लोगों के पास 2 घंटे, जितना prepare करना है कर लो, because this time I won't be lenient. Okay? Adios. He's cute. Are you mad? Seriously? What are you talking about? It's damn annoying. I'm telling you, he has something special for you. Something special for you? Yeah. इसका मतलब क्या? रबिश आई था, कुछ भी बकवास कर रही होता. Trust me for once, women in tuition. पता है मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है? क्या? मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि हमें यहाँ से उठ के जाना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है. बाय, लेट्स गो. गाइस, गाइस, दिस इज रिडिकुलस मैन. हाउ कैन दे होल्ड अ मीटिंग विद इन 2 आवर्स? हर्षा जी, अब जो होना है वो तो होके रहेगा ना, आपकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला. देखिए, हमें पता ही क्या लगता है, सबकी हालत ऐसी होगी, सब सबने कुछ प्रिपेयर नहीं किया होगा. अगर हम थोड़ा सा अच्छा कर देंगे ना, हम जीत जाएंगे. वैसे हमने कोई सॉन्ग तो प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन ना हमें ऐसा लगता है कि हम ना हमें लव सॉन्ग परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि प्यार में शक्ति होती है और प्यार हमेशा जीतता है. नव्या, पहले तुमने कहा था एकता में शक्ति होती है, और अब तुम कह रही हो प्यार में शक्ति होती है. क्या है ना कि प्यार में भी, प्यार में एकता से ज्यादा शक्ति होती है. हाँ, प्यार से रिलेटेड जो भी बात है वो आज मैं सब समझ जाऊं. एंड थैंक्स टू यू नव्या. यमो, आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं. नहीं नहीं, हमने देखा आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब हमारे जज्बातों को कोई समझता ही नहीं है. अब ऐसे लग रहा है भैंस के आगे बीच में ना. दीदी सुरोस, टेल मी ना, तुम्हारी लव स्टोरी शुरू कहां से हुई? एट द डॉग पार्क. सीन क्या है? मेरा मतलब है कि आई सॉ हर एट द डॉग पार्क, और उसके बाद आई वेंट ऑल शार्प. ऑल शार्प मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, पहली नजर में पहला प्यार, नो? दैट्स सॉर्ट ऑफ स्टफ. पर एक बात बता यार, जहां तक मुझे याद है तेरे पास कोई डॉग नहीं है, तो फिर तू डॉग पार्क में क्या कर रहा था? करेक्ट. मैं जानता हूं कि मेरे पास डॉग नहीं है, बट डॉग पार्क पे मैं नहीं, शी वॉज इन द डॉग पार्क. आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग बाय, तो मैंने इसको देखा. एज आई सेड, आई फेल इन लव. लव हो गया मुझे, और उसके बाद मैंने पता किया कि ब्रोज उसी रात को इस क्लब में जा रही पार्टी करने के लिए, और उसके बाद मैं वहां पहुंच गया तुम सबको टच करके. एंड उसके बाद तुम्हें पता है ना, हम वहां मिले थे, यू नो द स्टोरी उसके बाद क्या हुआ. और वैसे भी एक बार जो कबीर का दिल किसी की फोटो खींच लेता है, तो उसके बाद उसको उसके दिल में आना ही पड़ता है, मतलब कोई ऑप्शन ही रहता है, आना ही पड़ता है. दैट्स द यू नो द चार्म ऑफ कबीर. ओह, बड़े-बड़े डायलॉग्स. आई थिंक यू गाइस आर रियली इन लव, है ना?